हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किचन क्वीन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी टमाटर का शरबत। तो ये गर्मियों के मौसम में बहुत ही टेस्टी ड्रिंक होती है और बहुत ही एनर्जी देने वाली ड्रिंक होती है। तो टमाटर का शरबत बनाने के लिए हमने ये यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं। ये बिल्कुल रेड टमाटर है, इसका शरबत बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये देसी टमाटर है। तो देखिए, इससे सबसे पहले काट कर तैयार करेंगे। और ये हमने आइस क्यूब लिए हैं और ये हमने चीनी ली है। तो और ये हमने पुदीना के पत्ते लिए हैं और ये हमने काला नमक लिया है और ये सफ़ेद नमक है। तो चलिए सबसे पहले टमाटर को काट कर तैयार करते हैं, उसके बाद हम इसका शरबत बनाएंगे। तो देखिए, टमाटर को इस तरीके से चॉपर से भी काट सकते हैं, आप चाहें तो इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। देखिए, टमाटर को इस तरीके से हमने कट कर लिया है, हमने टमाटर को 2 पार्ट में काट लिया है। तो इसे चाकू से इसका पीछे का पार्ट कट कर देते हैं और इसके जो बीज हैं वो हम बाउल में एक निकाल लेंगे। बीजों को हम शरबत में नहीं डालेंगे। तो चलिए इसके बीज कट करके इसके बीज निकाल लेते हैं। तो देखिए, एक चम्मच की हेल्प से हम इस तरीके से टमाटर के बीज निकाल लेते हैं। तो आप टमाटर के बीज को फेंके नहीं, आप किसी सब्जी में या चटनी में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सभी टमाटरों को इस तरीके से चम्मच की हेल्प से बीज निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसका शरबत बनाएंगे। तो चलिए, टमाटरों को इस तरीके से पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने सभी टमाटर को इस तरीके से कट करके और इसके बीज निकाल कर तैयार कर लिया है। तो ये टमाटर के बीज हैं, इसे आप फेंके नहीं, इसे आप सब्जी में चटनी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, हमने एक मिक्सी का छोटा जार ले लिया है, इसमें टमाटर को सबसे पहले पीस कर तैयार करेंगे। तो देखिए, टमाटर के और छोटे टुकड़े कर लेते हैं जिससे आसानी से पीस कर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, टमाटर को ये टुकड़े करके जार में डाल देते हैं। तो देखिए, सभी टमाटर को हमने कट करके जार में डाल दिया है। तो इसमें आइस क्यूब भी डाल देते हैं जिससे हमारा टमाटर का जूस बहुत ही कलरफुल बनेगा और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए, इसको हल्का दबा देते हैं और इसमें पुदीने के पत्ते भी डाल देते हैं। टमाटर के शरबत में पुदीने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चीनी ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें चीनी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 से 3 चम्मच चीनी ऐड की है। तो चलिए, जार का ढक्कन लगा देते हैं और इसका एक बारीक पीस का पेस्ट बनाकर तैयार करते हैं। तो देखिए, मिक्सी में हम जार को लगा देते हैं और धीरे धीरे रुक रुक कर हमें इसे पीस कर तैयार करना है। तो देखिए, इस तरीके से मिक्सी को चलाएंगे, रुकेंगे, फिर चलाएंगे, फिर रुकेंगे, इस तरीके से हमें इस पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो देखिए, पेस्ट को चेक कर लेते हैं, टमाटर हमारे अच्छे से पीस कर तैयार हुए हैं नहीं। तो देखिए इस तरीके से टमाटर का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए, इसे एक बार छलनी में छान लेते हैं, उसके बाद जो मोटा रह जाएगा उसको दोबारा से मिक्सी में चलाएंगे। तो देखिए, जार को मिक्सी से निकाल लेते हैं और एक छलनी में इसे बाउल में छान कर तैयार करेंगे। तो देखिए, हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें छलनी से इसको छान लेते हैं। तो देखिए, हमने एक छलनी को ले लिया है, इस तरीके से चम्मच की हेल्प से इसको छान लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से घुमाते हुए चम्मच की हेल्प से हम टमाटर के पेस्ट को छान लेते हैं। जो मोटा रह जाएगा उसको हम दोबारा जार में डालकर पीस लेंगे और हमारा बारीक पेस्ट नीचे आ जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी शरबत होता है, आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। सभी के घर में टमाटर तो रहते ही हैं और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। आप लोग इस तरीके से बनाकर देखें, गर्मी की एकदम तरोताज़ा करने वाली ड्रिंक है और बहुत ही टेस्टी होती है। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है, एकदम कलरफुल ड्रिंक बनती है। तो देखिए, इस तरीके से मोटे टमाटर को फिर से हम जार में डालकर पीस लेंगे। तो ये बारीक पीस कर तैयार हो जाएगा और हमारा टमाटर का पेस्ट भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए, इसको फिर से थोड़ा सा पानी डालकर हम पीस लेते हैं, उसके बाद हम टमाटर का शरबत बनाएंगे। तो देखिए, टमाटर को हमने 1 से 2 बार चला दिया है तो हमारा फिर से पेस्ट रेडी हो गया है। तो देखिए, चम्मच की हेल्प से इसको देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए, इसे भी छलने की हेल्प से छान लेते हैं। तो देखिए, हमने दूसरे पेस्ट को भी इस तरीके से छान लिया है, चम्मच से इसे चला देते हैं। बहुत ही अच्छा हमारा टमाटर का शरबत बनकर तैयार होगा। तो देखिए, हमें 2 गिलास शरबत बनाना है, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आए तो आप इस तरीके से शरबत बना के पिला सकते हैं। तो देखिए, हमें 2 गिलास शरबत बनाना है। काला नमक डाल देते हैं और ये सफ़ेद नमक भी ऐड कर देते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाला है।
तो ग्लास में हमने आइस क्यूब को डाल दिया है। तो चलिए इसमें शरबत भी ऐड कर देते हैं, आप चाहे तो इसके आइस क्यूब भी जमा सकते हैं। इसमें एक चम्मच चीनी ऐड कर देते हैं, आपको जितना मीठा चाहिए आप उतना मीठा कर सकते हैं। तो चलिए टमाटर के पेस्ट को गिलासों में कर देते हैं। और देखिए हमारा पेस्ट बहुत ही कलरफुल बना है। हमें शरबत बनाने के लिए एकदम लाल टमाटर लेने चाहिए, तभी हमारा शरबत एकदम कलरफुल बनेगा। तो देखिए दोनों गिलासों में हमने इस तरीके से टमाटर के पेस्ट को डाल दिया है। तो इसमें अब ठंडा पानी भी ऐड कर देते हैं, और हमने आइस क्यूब को भी पहले ही डाल दिया था, तो इसमें ठंडा पानी भी ऐड कर देते हैं। हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से गर्मियों की एकदम तरोताज़ा करने वाली टमाटर की ड्रिंक बनकर तैयार हो गई है। तो आप लोग भी इस तरीके से गर्मी में ये ज़रूर बनाएं और टमाटर की शरबत का एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। तो इस तरीके से चम्मच से चला लेते हैं, और देखिए देखने में बहुत ही कलरफुल लग रहा है, तो टेस्टी भी बहुत होता है। तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखें। तो देखिए हमारा टमाटर का शरबत तैयार हो गया है। तो इसे गार्निश करने के लिए इसमें पुदीने के पत्ते लगा देते हैं, तो ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। तो देखिए हमारा शरबत बनकर रेडी हो गया है। तो आप लोग भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोगों को हमारे टमाटर की शरबत की रेसिपी कैसी लगी। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।